हेलो नमस्कार दोस्तों हम अपने धान के प्लॉट पे घूमने के लिए आए और हम आपको एक जरूरी जानकारी देने वाले हैं तो एक तरफ आप देख सकते हैं हमने रिसर्च वैरायटी लगाया है और दूसरी तरफ हमने लगाया है इसमें हाइब्रिड वैरायटी तो दोनों में कुछ अंतर है इसमें हमने डाला है जिंक सल्फर और ह्यूमिक एसिड और इसमें हमने केवल और केवल यूरिया और डीएपी डाला है तो दोनों में काफ़ी अंतर हमको देखने को मिल रहा है तो देख सकते हैं हम आपको अंतर भी दिखाएंगे या प्लॉट में जो रिसर्च वैरायटी है इसमें टिलरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा भी इसमें भी निकल के आई है और इसमें भी लेकिन दोनों में कुछ अंतर हमें देखने को मिला है अंतर हमें यही देखने को मिला एक में जो है इफेक्टिव टिलर्स हैं और एक में जो है प्रोडक्टिव टिलर्स हैं क्योंकि टिलरों की संख्या पर निर्भर नहीं करता उपज हमारा कहते हैं लोग कि टिलरों की संख्या ज़्यादा होगा जितने जितने कल्ले अधिक होंगे उतने उपज अधिक होगा लेकिन वैसा कुछ नहीं है अगर आपके टिलर में दम नहीं है तो उसमें कल्ले से ज़्यादा रखने से कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि वो वो टीलर जो कमजोर होते हैं उसमें से धान निकल के आएंगे ही नहीं और आपको केवल केवल टीलों की संख्या गिनती के लिए ही रह जाएंगे तो हम आपको दिखाते हैं गिन के कुछ टीलर्स जिनमें कि कल्लों की, की संख्या कम है लेकिन इफेक्टिव हैं और प्रोडक्टिव हैं और जो काफ़ी ज़्यादा नजर आ रहे हैं उनमें प्रोडक्टिविटी कम आएंगी क्योंकि वो टीलर्स पतले रह गए हैं उनमें तत्वों की कमी हो गई है तो दिखाते हैं हम आपको टीलरों की संख्या और उसकी मोटाई तो आप देख सकते हैं हम अपने प्लॉट पे एक टी दिखा रहे हैं ये देख सकते हैं केवल ये नहीं ये भी देख सकते हैं उतने ही मोटे है लेकिन मोटाई से हम नहीं जाएंगे केवल टीलरों की मोटाई पर देखें आप कितने मोटे मोटे टीलर से निकल के आए हैं तो ये देख सकते हैं अभी ये धान केवल और केवल पच्चीस दिन की है तो देख सकते हैं इनमें टीलरों की संख्या हम आपको दिखाते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह स सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस बाईस इधर हो गए और फिर तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस उसके बाद फिर से हम आपको दिखा रहे हैं तीस इधर हो गए इकतीस बत्तीस तैतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनचालीस चालीस इकतालीस बयालीस तैतालीस चौवालीस पैंतालीस छियालीस सैतालीस अड़तालीस उनचास लगभग उनचास टिलर इसमें निकल के आए हैं जिनमें कि सारे के सारे टिलरों में फलियां बनेंगी क्योंकि ये एक प्रोडक्टिव टिलर्स है हम आपको एक टिलर निकाल के दिखाते हैं देख सकते हैं इसकी टिलर्स की मोटाई देखें अब देख सकते हैं इस टिलर की मोटाई कितनी ज़्यादा है और इसमें बालियाँ बनना का प्रोसेस भी शुरू हो चुका है क्योंकि यह एक प्रोडक्टिव टिलर है और इसमें देख सकते हैं इसका मोटाई कितना है तना में अगर तना आपका मोटा रहेगा तो उसी में न फलियाँ बनेगी तो हम आपको एक इफेक्टिव टिलर प्लॉट दिखा रहे हैं जिनमें कि टिलरों की संख्या काफ़ी अधिक है लेकिन टिलरों का जो मोटाई होना चाहिए वो काफ़ी कम है तो हम आपको वो प्रोडक्ट प्लॉट काफी दिखा रहे हैं तो देख सकते हैं यह एक रिसर्च वेराइटी का प्लॉट है और इसमें टिलरों की संख्या इनमें इस प्लॉट में हमने केवल डी और यूरिया ही डाला है और जो हम पहले आपको प्लॉट दिखा रहे हैं इसमें हमने सारे तत्वों का पूर्ति करने के लिए चाहा है और इसमें जो है आप देख सकते हैं रिजल्ट भी आपके सामने है कि कितना मोटा मोटा टिलर्स आया है और इसमें हम दिखा रहे हैं इफेक्टिव टिलर्स एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस तो देख सकते हैं दोस्तों टीलरों की संख्या भी कम आई है क्योंकि इसमें हम ऐसे तत्वों की पूर्ति नहीं कर पाए जो इसके लिए जरूरी था और क्वालिटी बीज पर भी निर्भर करता है कि आपने किस तरीके का बीज लगाया है तो हमने इसमें एक रिसर्च वेराइटी लगाई है और हम आपको टीलरों इसमें सबसे मोटा टीलर हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं और दोनों में तुलना कीजिए देख सकते हैं यह है इसमें आगे चल के और भी टिलर्स आएंगे तो ये टिलर 50 की संख्या में चला जाएगी लेकिन इसमें जो बालियां निकलेगी वो केवल 40 या 50 परसेंट में ही निकल पाएंगे क्योंकि ये बहुत ही मोटी नहीं है इसमें एकदम तो पतला देख सकते हैं इसका ट्रिलरिंग पतला हुआ है और इससे भी कम पतला पतला है ट्रिलर दिखा रहे हैं आपको जैसे कि ये मोटाएंगे नहीं केवल इसी तरह रह जाएंगी और जिसमें कि धान की के संख्या केवल एक जिस तरह नहीं कहा जाता है कि जनगणना के लिए उसी तरह यह गिनती के लिए है और यह देख सकते हैं प्रोडक्टिव टीलर इसमें बालियां बनने का प्रोसेस शुरू हो चुका है और इसमें बालियां भी बनना शुरू हो गया है तो देख सकते हैं किस तरीके से हम आपको डिफेंशिएट करके दिखाए हैं बहुत ही शानदार तरीके से तो चलिए दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा आगे भी वीडियो में हम आपको अच्छी अच्छी जानकारियां देने वाले हैं यह प्लॉट जो है दोनों एक ही दिन का रुपाई है और दोनों में अच्छा खासा अंतर आपको देखने को मिलेगा